लोग कैसे हो, मैं हूं एसके और आप लोग देख रहे हो एसएस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ चुका हूं स्काई रिप्लेसमेंट का ट्यूटोरियल। और बहुत सारे लोगों को लाइट मोशन यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उन लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ काइन मास्टर के लिए भी ट्यूटोरियल। यानी कि हम काइन मास्टर और लाइट मोशन दोनों में बनाने वाले हैं। आपको जो पसंद आए आप उसका यूज़ करना, लेकिन कलर ग्रेडिंग के लिए मैं लाइट मोशन ही सजेस्ट करूँगा और मैं लाइट मोशन ही यूज़ करूँगा। जैसे मैंने कलर ग्रेडिंग की थी अपने ग्राइंड वाले मॉन्टाज में, जहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट किया था, नाइट वाली कलर ग्रेडिंग की थी, वैसे आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसका जो प्रीसेट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही। और प्रीसेट की जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूंगा। जब मैं प्रीसेट इंपोर्ट करके दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कहाँ से मिलेगा। और जो अलाइट मोशन एंड काइन मास्टर के मोड एपीके के लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में देने से थोड़ा सा चैनल को रिस्क होता है, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और कमेंट वाले लिंक को कैसे ओपन करना है उसके लिए एक हाउ टू ओपन मैं लिंक्स करके वीडियो बना के रखी होगी, जो कि आपको कमेंट में दी होगी। रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी हाउ टू ओपन मैं लिंक्स करके एक वीडियो का लिंक। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, हाउ टू ओपन मैं लिंक्स वाली वीडियो वहाँ पर रहती है। तो आप दोनों ऐप का डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको दोनों ऐप लिंक शॉर्टनर से डाउनलोड नहीं करने तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे। तो मैं जब अलाइट मोशन का प्रेसेट इंपोर्ट करूंगा तो आपको बता दूंगा कि आपका डायरेक्ट लिंक कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को देखना शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो पसंद आने में प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना यार। ये जो काम है ये अभी कर, मुझे पता है आप लास्ट तक भूल जाओगे, लास्ट तक आप वीडियो देखो के भी नहीं। मुझे तो ये भी पता है कि हमारे एवरेज व्यू ड्यूरेशन एक मिनट का आता है। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को एंड तक देखते नहीं, मतलब 90% मतलब 100% में से कुछ 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को चालू करते एक मिनट तक देखते फिर छोड़ देते। और कुछ जो 5% लोग हैं वीडियो को आधा देखते, तो 4% लोग हैं उसमें से वीडियो को आधा देखते और 1% लोग हैं वो पूरा देखते हैं। अब मुझे वो तो नहीं पता कौन पूरा देखता है, और मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू, देन नेक्स्ट 16:9 का प्रोजेक्ट लेके इंपोर्ट योर क्लिप। उससे पहले आप लोग को इमेज एसेट्स में जाना है, ब्लैक इमेज ले लेना है। आपका क्लिप का साइज़ आपको जितना भी रखना है, मैं मिनिमम 10 सेकेंड रखूँगा तो आप उतना रख सकते हो। देन लेयर पे जाओ, मीडिया पे जाओ, लेयर मीडिया से आपको आपकी क्लिप इंपोर्ट कर लेनी है, जो भी आपकी क्लिप। और इसको आपको अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको रखना है उतना रखो, और जितना नहीं रखना है उतना कट कर दो। सो मेरे को जितना रखना है मैं उतना रख लेता हूँ और बाकी का जो है मैं कट कर दूंगा। सो गाइस, जितना रख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे जूम कर लेना है स्क्रीन में, ऐसे कुछ आ जाए। देन आपको क्या करना है, क्रोमा की में जाना है, एनेबल कर देना है। देन की कलर में जाना है, की कलर में जाके आप लोग को इस कलर को सिंपली ऐसे हल्के ब्लू की तरफ, लाइट ब्लू की तरफ ऐसे कर देना है। फिर आपको नीचे वाला जो है इसको कर देना है 59। देखोगे कितना करना, मैं जितना कर रहा हूँ। कार का कलर जा रहा है, चलेगा। और कुछ इसको ऐसे कर देना है, देख लो सेटिंग्स बराबर से, ये सेटिंग्स ही इम्पॉर्टेंट है। देन डिटेल एंड कर्व में जाना है और इसको कुछ ऐसे कर देना है, देख लो। डिटेल एंड कर्व में जाने के बाद इसको कुछ ऐसे करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाता है। और इसके बाद आप लोग मेरे से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पे जो है हमारा गाड़ी गायब हो चुका है, तो आपको करना कुछ नहीं, इस लेयर को डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो क्रोमा की वाला ऑप्शन है इसको बंद कर लेना है, फिर इसको छोटा करना है। इसके बाद इसको छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है क्रॉपिंग वाले सेक्शन में, ऊपर से इसको इतना क्रॉप कर देना है जिससे आपकी गाड़ी जो रहे स्काई ना रहे, सिर्फ इतना रखना है कि गाड़ी रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, अल्फ़ा में जाके इसकी ओपेसिटी आपको कम कर लेनी है अकॉर्डिंग, जितना भी मतलब 50 से तो कम ही कर लेना। फिर इसके बाद आपको इसको साइज़ में लाना है, बटन्स को बटन्स के साथ मैच कर देना। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अल्फ़ा में जाना है, इसकी ओपेसिटी फुल कर देनी है। देन आपको जाना है क्रॉपिंग में और मास्क ऑन करके फेदर को पूरा फुल कर देना है, जिससे कि देखो ये कुछ अभी आपकी गाड़ी भी गायब नहीं हो रही है, देन कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाना है और जो भी आपको मैं स्काई का फ़ोटो देता हूँ वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने स्काई को जो है इंपोर्ट कर लिया। देन इसके बाद इसको आपको लास्ट तक कर देना है। इसके बाद करना क्या है, यहाँ 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। देन इसको क्या करना है, सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी साइज़ को आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है, मैं कुछ इतना रख देता हूँ। फिर इसके बाद आप लोग को क्लाउड का जो मिल जाएगा वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, मीडिया में जाके लेयर मीडिया। गाइस, स्काई का जो ये इमेज लाने के बाद आपको इसको लास्ट तक कर लेना है, इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। और इसके आपको कल एडजस्टमेंट में जाना है, एडजस्टमेंट में जाके सैचुरेशन को पूरा ज़ीरो कर देना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे जाना है और इसको कुछ ऐसे लगा देना है यहाँ पर।
और इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में जाना है और इसका जो ब्राइटनेस है ऐसे कम कर देना है। देन इसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसको सेम इस साइड कर देना है एंड सेंड टू बैक। और इसका जो फेदर है वो आपको एनेबल कर देना है। क्रॉपिंग में जाना है, मास्क एनेबल करके फेदर एनेबल कर दो, ज़्यादा नहीं इतना रख दो। ऊपर वाले में भी सेम यही करना है, क्रॉप में एनेबल करके मास्क को और फेदर को आधा कर दो, जिससे ये आपका जो स्काई है ये बन चुका है। अब कलर ग्रेडिंग के लिए जो प्रीसेट है वो आपको मिलेगा, वो मैं बताता हूँ आगे। तो हम लोग अभी अलाइट मोशन के ट्यूटोरियल पे चलते हैं। सो गाइज, आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अलाइट मोशन ओपन करके प्लस पे क्लिक करके 16:9 का प्रोसेस लेके अपनी क्लिप इम्पोर्ट कर ली। देन इसको मैं ब्लैक बार हटाने के लिए जूम कर लूँगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने फटाफट ये सारे स्टेप्स कर लिए। इसमें ऐड इफेक्ट करो क्रोमा की। अगर आप मेरे पुराने स्काई रिप्लेसमेंट के वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा, क्रोमा की इधर डालते हैं फिर ऐसे स्काई का कलर सिलेक्ट करते हैं और थ्रेशोल्ड को ऐसे बढ़ाते हैं और जिससे स्काई जो है हमारा हटने लगता है। तो यहाँ पे स्काई को जो है अच्छे से थ्रेशोल्ड को बढ़ाने जब तक स्काई हट नहीं जाता है, गाड़ी हट जाए कोई टेंशन नहीं लेना है, गाड़ी हट जाए तो भी चलेगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है वेक्टर ड्राइंग। वेक्टर ड्राइंग पे जाने के बाद आपको जो है ये जो मैप वाला पार्ट है इसको जो है रिमूव कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये पॉइंटर को ऐसे लेके जाना है और ये पूरा स्काई जो है ऊपर की साइड ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ये जो बच गया है उन सबको सिलेक्ट करते जाना और ये जो नाम है इसको भी मैं ले जाता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे आगे तक कर देना है। देन आप लोग को यहाँ पे से इसको कर देना है वो यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाके। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको मास्क में जाके एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। फिर आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट वाली लेयर में से आपको क्रोमा की को ऐसे हटा देना है। ऐसे हटाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो पहले तो वो स्टेप में हमको करना है कि देख लेना इसमें से किस में वो इफेक्ट है। इस वाली लेयर को जो है आप ऐसे नीचे लेके आ जाओ, इसको और इसको मर्ज कर दो जिसमें क्रोमा की डाला था और एक शेप जो वेक्टर ड्राइंग लिया था, इसको यहाँ पे से आप ग्रुप बना दो। टू लेयर सिलेक्टेड के बगल वाले ऑप्शन से ग्रुप बना दिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। फिर यहाँ पे आपको एक ये वाला टूल ले लेना है, ये राउंड रेक्टेंगल। फिर रेक्टेंगल को बड़ा कर लेना है, ऐसे साइज़ को आपको पूरी स्क्रीन भर देनी है रेक्टेंगल के साइज़ से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ यहाँ पे ऐसे लगा देना है। सो गाइस, रेक्टेंगल लगाने तक का सारा काम मैंने कर दिया है। फिर ये दो लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें क्रोमा की नहीं है और ये ग्रीन वाली लेयर को। फिर आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये थर्ड वाला यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और आपकी कार भी वापस आ जाएगी। एंड ग्रुप एंड मास्क वन में जाके आपको क्या करना है, एड इफेक्ट में जाना है एंड फेदर को ऐड करना है। इसका जो ये नीचे वाला है लीवर, इसको ऐसे कर देना है। स्ट्रेंथ को भी आपको कम कर देना है अकॉर्डिंग 40, 45, 50, इससे ज़्यादा मत करना। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये दो लेयर जो है इन दोनों को आपको मर्ज कर लेना है, यहाँ ग्रुप बना लेना है। ये ग्रुप बन गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। इमेज एंड वीडियो पे जाके आपको स्काई लेके आ जाना है, जो मैंने पिछले बार का इन्वेस्टर में दिया था वो सब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, दोनों इमेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। देन इसको लास्ट तक कर देता हूँ और इसको भी लास्ट तक कर देता हूँ। इसके बाद अब क्या करना है, आपको ग्रुप टू को ऊपर लेके आ जाना है एंड ये वाले स्काई को नीचे लेके जाना है। देन यहाँ पे इसके साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हो, मैं कुछ इतना रखूँगा और इसको कुछ ऐसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन आपको क्या करना है, ये जो थंबनेल वाला था इसमें ऐड इफेक्ट पे जाना है। ये थंबनेल वाला मतलब उसका नाम ही ऐसा इफेक्ट है, वो जो बादल वाला इफेक्ट है उसमें जाना है। कलर एंड लाइट में जाना है आपको। देन सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस में जाके आपको प्रीसेट एमओ मोनोक्रोम वाला इधर डाल देना है। बेसिकली इसमें पहले से ही सैचुरेशन -100 हो गया तो एक स्टेप जल्दी हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको इसको छोटा करना है थोड़ा सा और इधर लगा देना है। फिर इसके बाद ऐड इफेक्ट कर लो और यहाँ पे भी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लो स्टैंडर्ड सेटिंग। देन ब्राइटनेस को ऐसे कम कर लो जैसे वहाँ पे किया था। और इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है टाइल्स। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे टाइल्स। टाइल्स ऐड करने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग, देन आपको मिरर ऑन कर देना है। मिरर ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा क्रॉपिंग में कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर लेने और इसके बाद देखो आपके बादल जो है उस साइड भी आ चुके हैं हल्के हल्के। हमें पूरे नहीं चाहिए, हल्के हल्के चाहिए, इस वजह से ऐसा कर दिया मैंने। इसके बाद आप लोग को प्रीसेट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रीसेट का लिंक दिया है विथ लिंक शॉर्टनर। तो आप वहाँ से जाके लिंक शॉर्टनर वाला अगर आपको ईजी लगता है तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट प्रीसेट का लिंक चाहिए, अलाइट लिंक डायरेक्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है वहाँ पे जाना है, आपको सिंपली ज्वाइन हो जाना है। और इसके बाद क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आने के बाद देख लो यहाँ पे
हमारा ये रहा डिस्कॉर्ड सर्वर, देन यहाँ पे आपको आना है और ऐप्स लिंक कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। देखो आपको योर नीड्स में जाना है, देन आपको नीडेड ऐप्स में मिलेगा। ये देखो आपको सारे ऐप लिंक यहाँ पे डायरेक्ट लिंक के साथ मिल जाएंगे। देन यहाँ पे देखो प्रीसेट अलाइट करके एक ऑप्शन है, सो आप यहाँ पे देखो प्रीसेट ले सकते हो यहाँ से। ये रहा प्रीसेट, देन आपको प्रीसेट पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये आपको ब्राउज़र में रीडायरेक्ट करेगा, देन आपको अलाइट मोशन में रीडायरेक्ट कर देगा। देन आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये 164 MB का प्रीसेट है, तो थोड़ा सा आपका नेट भी जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं फटाफट से इंपोर्ट होने तक वेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं हमारा 90% तक तो इंपोर्ट मतलब डाउनलोड हो ही चुका है। तब तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 100% हो चुका है, थोड़ा सा वेट करना, हैंग नहीं हुआ है, जस्ट ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके बाद ये डायरेक्ट आपको इंपोर्ट हो ही जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, हैंग नहीं हुआ है। ओके तो गाइस देखो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है मेरे प्रोजेक्ट पर। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हैंग मारेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाली लेयर में से आपको कॉपी कर लेने इफेक्ट्स, देन आपको बैक आना है, देन पुराने वाले प्रोजेक्ट में ग्रुप 2 में यहाँ पे आके आपको ये वाले इफेक्ट्स पे पेस्ट कर देने हैं। तो कुछ ऐसा बन जाता है, देख लो आप, एकदम मस्त सा लग रहा है। इसके बाद आपको फिर से नीचे वाली लेयर में आना है, इसके इफेक्ट्स इस बार कॉपी कर लो और इस वाले में जाके आपको पेस्ट कर देने हैं। फिर अभी प्रीव्यू नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा लैग की वजह से, और इसके बाद इसका कॉपी इफेक्ट्स कर लो, और जो हमने उसमें डाल दिया था ना, तो ये सैचुरेशन, वाइब्रेंस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, टाइल्स, ये सबको डिलीट करके इसको पेस्ट कर लो और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लो, देन ऊपर वाले को कर दो। को देख लेता हूँ मैं क्या करना है, लीनियर डॉच ही करना है, तो लीनियर डॉच कर दो और इस वाले लेयर को भी लीनियर डॉच कर दो, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। वो जो लेयर है वो फ्लिक हो रही है, फ्लिकर इफेक्ट है उसमें, इसको नॉर्मल ही रहने दो नीचे वाले को, और ऊपर वाले को कुछ ऐसे कर दो, और इसके बाद आपको कुछ देखने के लिए मिल जाएगा ऐसे, और आपका यहाँ पे बन चुका है। देन आपको इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप कि आपको आज की ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार हमारी वीडियोस की रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है, सो प्लीज़ यार अपने 15-20 दोस्तों के साथ तो शेयर करते ही जाना, 15-20 को करोगे तो 3-4 तो यार देखेंगे। आपका जो भी ग्रुप है वहाँ पे दे दो, हमारे मोनेटाइज के लिंक दे दो, आपके दोस्तों को दिखाओ, आपके दोस्त देखेंगे, इंटरेस्ट जागेगा ट्यूटोरियल देखने में। और दिवाली स्पेशल मोनेटाइज के लिए मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, देखते ही आता है कि नहीं, अगर बन गया तो आएगा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बना ही लूँ, क्योंकि आज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो एक दिन में इम्पॉसिबल सा है, बट ट्राई करेंगे। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।